थोड़ी गाड़ी मालूम नहीं कर दिया। बस चलो 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 ऊपर कर लो बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सोनपत्री और जो कि है नेपाल बॉर्डर के पास। तो मैप लगा दिया मैंने और निकलते हैं मैं और राहुल भैया साथ में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लें, आपको एक आइडिया लग जाएगा अभी हम कहाँ पे हैं। जो यहाँ से 23 किलोमीटर, अभी 21 था, अभी 23 हो गया। मैप भी पूछो मत। और शाम के हो गए हैं 4:30। यहीं से, यहाँ से लेफ्ट दिखा रहा क्या? हाँ, फिर यहीं से राइट। तभी हम बता दें कि नेपाल के काफ़ी करीब आ गए हम लोग। लगभग यहाँ से नेपाल बॉर्डर 40 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी जो जहाँ जा रहे हैं सोनपत्री, वो भी वहीं है। तो आप देख सकते हैं गांव की हरियाली, धान कटने को आ गए हैं। लो सफ़र शुरू हो गया। दोनों साइड जंगल ही जंगल। रोड देखे कहाँ से दिखा रहे हैं गूगल बाबा। अब यहाँ से वही तो आ गए यार, यहीं तो उतर नहीं हो पाएगा भैया। अरे भाई साहब मेरी तो हालत खराब हो रही। भाई साहब कह रहे दस है। ओहो कहाँ कहाँ से जाना, आप किधर से? अरे धस ना जाए, धसेगा तो नहीं। आप चल के जाओ और आगे जाइए, डरवाइए नहीं हमको। है नहीं, चलो देखो बस पार हो गया। चल ठीक है, बाय। अरे भाई बंद हो जाए रास्ता, गियर फर्स्ट लगाओ। पहले गियर में बस चलो, जूता पूरा कथा थोड़ी गाड़ी मालूम नहीं कर दिया। बस चलो 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 ऊपर कर लो। ओ भाई साहब, ये कहा मान गया भैया तुमको तो। अब भाई साहब हो अब उससे बच गया उतना रास्ता, समय बच गया। वो आप सामने देख सकते हैं, पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं लाइन से। मे बी गोप्रो में पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्लियर दिख रहा है एकदम। उधर पूरा दिख रहा है, थोड़ा धुंध है इसकी वजह से उतना क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ दिख रहा है, विजिबिलिटी है उतनी की दिख जाए। तो अभी हम बता दें कि ये अभी यहाँ से है 18 किलोमीटर। अभी तो गांव गांव से निकल के कैसे आए हैं। वो आप देख सकते हैं पहाड़ पूरा इधर से, मैं भी ज़्यादा क्लियर दिख रहा हूँ। ये कौन सा जगह है? ये चौधरी डी। चौधरी डी, बाय। वो अब एकदम क्लियर है और 2 किलोमीटर और हम पहुंच जाएंगे नेपाल बॉर्डर के पास। हाँ हाँ, लाइट भी अभी काम नहीं करेगी। भाई साहब दोनों साइड घना जंगल और बीच से रास्ता, दूर दूर तक कोई है भी नहीं। सोनपत्री SSB के लोग मिलेंगे, दर्शन तो मिल जाना चाहिए। यहाँ बारिश होती रहती है। हाँ हाँ, अभी देख लीजिए, हाँ लग रहा है एकदम बारिश हुई है। हाँ बस 900 मीटर बाद रोड खत्म, 900 मीटर बाद यहाँ से रोड खत्म। हाँ फिर वहाँ से मैं भी पैदल। हाँ हाँ पैदल जाना पड़ेगा। आता कौन होता है? जैसे लग रहा कुछ है ही नहीं। अभी अचानक से दिखेगा कि हाँ यार।
इधर कौन जाता होगा? अरे भाई साहब, ये क्या हुआ होगा यहाँ पे? घर से बना लिया रास्ता ना वो? हाँ, उधर ही जाना था। बाइक निकल जानी चाहिए। निकल जा, निकल जा, निकल जा। निकल गई। बैठे रही, बैठे रही। हाँ, किधर से? से ले लीजिए, कहाँ वहाँ जा रही है। किधर चले गया? उस भाई साहब, बाइक लेना पड़ेगा। बीच में ये पेड़ है ना, भाई अभी तक हमको कोई दिखा नहीं यार। आ गए हम लोग, आ गए। हाँ, ये दिखा दिया फिनिश, मैं दिखा दिया फिनिश। नहीं तो कुछ दिखा रहा उसमें कि हम पहुँच आए हैं। पहुँच आए, गाड़ी दिखी, एक एक गाड़ी दिखी। हाँ, उधर से आ रही, लाइट जल रहा है उसका, देखिए वो, देखिए। पूछना इनसे, भैया रोको दे रहा, पूछे तो सोन पत्थरी मंदिर है, बिल्कुल सीधा गाड़ी जाती है वहाँ। हाँ, गाड़ी और फोन है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद बताने के लिए। चलो भैया, मैप तो धोखा दे दिया है। अच्छा, मैप में लिस्टिंग वहीं तक की गई है ना, उसके बाद दिखाया ना कि पैदल जाना। अब ये लोग जा रहे हैं तो बात अलग है, मैप में तो वहीं तक दिखाया ना कि। हाँ हाँ, इस पे भी तो आ रही है भाई। इस पे मत जाओ, उधर जाओ। इस पे ही जा रहा है वो, सही है। भगवान माफ कर देंगे, समझ जाएंगे दूर से आए हम लोग, लखनऊ से आए हैं, टाइम तो लग जाएगा ही। ऐसे रहे रोड, नेपाल बॉर्डर नेपाल में ही एकदम। देखते हैं, अपनी सेना तो लगी ही होगी। सोने का पत्थर मिलता है क्या यहाँ सोन पत्थरी का? पता नहीं, सोन पत्थरी पत्थर पैदल आना हो तो हालत खराब हो जाती। देख लीजिए 900 मीटर गए हुए कितना टाइम हो गया। 12 किलोमीटर जो लिखा था वो 12 किलोमीटर है, 12 लिखा था। अब वहां से मैप में दिखा रहा था 5, मतलब 7 किलोमीटर है। जहां तक मैप छोड़ा हम लोग को वहां से 7 किलोमीटर है। हाँ, क्योंकि जब हम लोग एंट्री किए तो वहाँ अरे रे 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 ट्रैक्टर वगैरह भी आ गया है। बहुत भैया, हाँ नेपाली थे, बॉर्डर फाइंडिंग नहीं है। हाँ, बटा हुआ है, समस्या तो ये है नेपाल के साथ अपनी जो दुखी है। हाँ, बाउंड्री वॉल है, ऐसे ही है, ऐसे ही बस। ये तुम्हारा है, हमारा हमारा है। फेंसिंग कर देना चाहिए यार, अब तो कर देना चाहिए फेंसिंग वगैरह। हाँ, अब तो बना देना, कभी भविष्य में ना रहेगा। हाँ, और क्या,
आज ही है प्रधानमंत्री, कल वो आएगा, वो आएगा क्या क्या आगे बढ़ाओ भाई, हर चीज का मसला निकाल दो कि भाई ये बाउंड्री वाला ये बंटवारा हो गया है, हमारा है ये, हमारा है। ओ अबे एक बंदा ब्रेक इसीलिए नहीं मारे, हाँ ब्रेक इसीलिए नहीं मारे हम, नहीं तो गिर जाते। ये रुकिए, भैया कितना दूर हो रहा है सोनपत्री मंदिर, कितना दूर हो रहा है? अब से 2-2.5 किलोमीटर आ जाएगा, ये इधर एसएसपी बैरक आएगा वहाँ पर एंट्री एंट्री कराना, जाने देंगे नेपाल की गाड़ी है। हाँ और क्या, मैंने देख लिया नंबर प्लेट नेपाल का है, नेपाल की, पीला लाल होगा ना उनका तो, लाल ही तो है भाई। अरे हम ध्यान ही नहीं दिए, तो वो गाड़ी इधर है। अब ये लोग क्योंकि आप बताए ना सब आपस में है रह रहे हैं, तो कौन सा बंटवारा करके वह जिंदगी यापन कर रहे हैं यहाँ पे, जिंदगी जी रहे हैं बस। बताए तो इधर चले आए एंट्री कर लिए, इधर चले गए और इधर से आपस में जो मेल जोल रहता है ना, उसके एंट्री उंट्री लोग का नहीं होता रोज होता है, तो कोई भी गाड़ी अगर नेपाल से इंडिया में आएगी चार लगेगा, अगर यहाँ से कोई गाड़ी उधर जाएगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आते जाते रहते कोई नहीं रोकता टोकता है। अब यहाँ कहाँ तक हर नेपाल जाने के लिए कम से कम नहीं होंगे तो हजारों रास्ते होंगे, और क्या बॉर्डर के अलावा जो मेन मेन जैसे एक वो हो गया अपना सोनावली बॉर्डर, सुना कोयला बासा बॉर्डर, एक हो गया रुपये डीहा नानपारा बॉर्डर, ये सब मेन, एक हो गया अपना टनकपुर में, एक हो गया टनकपुर में अपने पूनागिरी मंदिर है, बनबसा सॉरी बनबसा, वहाँ भी मतलब वो है, वो सब नेशनल हाईवे। फिर आप चले जाइए रक्सौल में, वीरगंज में, वहाँ गया हूँ ना रक्सौल, मैं नेपाल गया हूँ दो बार, एक बार तो रक्सौल बाय ट्रेन होके बाय टैक्सी करके, और एक बार तो अपनी कार से गए, जब कार से गए थे तो नानपारा वाला गए थे, उधर से गए थे हमें लोग लेट कर दिए। पहाड़ी नाले हैं, पहाड़ी नाले हैं, कब बहने लगे पता नहीं चलता। और क्या, ये आया ऑफ रोड चेंज है, पहले नंबर पे दूसरा, अब जाके फाइनली जंगल खत्म हुआ है, फाइनली जंगल खत्म हो गया, अब ये नाया है, ये नदी ही थी कोई, सूख गई है। हाँ यही तो मंदिर है क्या, आई थिंक यही मंदिर है, किधर जाना है, चलो ऊपर चलो, हाँ अपना बच्चे बताए सो ये यही है मंदिर, मंदिर यही है वो, ये लिखा तो है। तभी एकदम अंधेरा हो गया है और हमने बाइक पार्क कर दी है वहाँ पे, एंट्री करा दी है, और एसएसबी के जो ऑफिसर से उन्होंने बता दिया कि बस 500 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, और आगे है मंदिर, और अंधेरा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और दोनों साइड जंगल ही जंगल, यहाँ पर ना लाइट है ना कुछ, बगल में सोनपत्री क्या बताएं, सोनपत्री नाला जो भी सूखा हुआ है। नेपाल से थोड़ी दूरी पर हैं हम लोग, मतलब एक पहाड़ का है, अगर एक पहाड़ हटा दिया है तो दूसरे साइड नेपाल, किधर से इधर झरना है क्या, हाँ ये थोड़ा बहुत पानी है इसमें, इस पहाड़ के पीछे है ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, इस पहाड़ के पीछे है नेपाल, वो
बहा है। हाँ हाँ और क्या करते, तो बरसात भी ज़्यादा बढ़ रही। चलिए बढ़ते मंदिर की तरफ। तो फिलहाल हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए हैं और यहाँ पर है शंकर भगवान का शिवलिंग। काफ़ी अंधेरा बंदर तो ये है मंदिर। हम लोग चल रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। आइए सोनपत्री भगवान। अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे बेड पड़ा हुआ है। अंदर नहीं जाता बाबू। इनके बाबा के बारे में बताओगी कुछ? पता है तुमको? नहीं, मुझे नहीं पता। किसको पता है? सोन पत्र मतलब सोने के लिए बना था क्या? ये बाबा की जो मूर्ति है ये पहले यहाँ पर रहते थे। अच्छा और बताओ। हम नहीं जानते हैं। उधर जो लोग बैठे हैं वो लोग बताएंगे? जाओ पूछो, बताएंगे क्यों जाओ। क्या बोलूं, दर्शन हो गया, चले चलते हैं। हाँ श्री कृष्ण भगवान, हनुमान राम, हनुमान राम लक्ष्मण सब लोग राम जी हैं। हाँ सीताराम। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।